Like my video, subscribe to my channel and click on the bell icon for more delicious recipes updates. मैं आपको हरे प्याज में बनी अंडा भुर्जी की रेसिपी बताने जा रही हूँ। हरे प्याज से जो है अंडा भुर्जी का स्वाद बहुत ही अच्छा आता है, तो आइए देखते हैं इसको कैसे बनाया जाता है। हम पहले कढ़ाई को गरम कर लेते हैं। अब इसमें 3 चम्मच ऑयल डालेंगे। ऑयल को थोड़ा अच्छे से गरम होने देते हैं। ये ऑयल गरम हो चुका है, अब हम इसमें 1 चम्मच जीरा ऐड करेंगे। ये 5 से 6 हरी मिर्ची बारीक कटी हुई, ये हम ऐड करेंगे और हरी मिर्ची को हम तेल में अच्छे से होने देंगे। इसमें 1 बड़ा प्याज मैंने बारीक कट कर लिया है, ये हम इसमें डालेंगे। प्याज को तेल में अच्छे से कर लीजिए। ये प्याज थोड़े से सॉफ्ट होने चाहिए। ये प्याज हमारे थोड़े सॉफ्ट हो गए हैं। इसमें 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे। और अब ये लहसुन अदरक के पेस्ट को तेल में अच्छे से होने दीजिए। ये लहसुन अदरक का जो कच्चापन है वो निकल जाना चाहिए, उतना हमें करना है। ये जिंजर गार्लिक पेस्ट हो गया है। अब इसमें हम 1 चम्मच नमक ऐड करेंगे। आप अपने स्वाद अनुसार नमक ऐड कर सकते हैं। अच्छे से मिक्स कर लीजिए। ये 1/2 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, इसे भी तेल में अच्छे से कर लीजिए। और ये 10 से 12 हरे प्याज है, मैंने बारीक कट कर लिए हैं, इनको भी अब हम ऐड कर देंगे। ये हरे प्याज को अच्छे से तेल में कर लीजिए, सबको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। ये हरे प्याज जो है तेल में अच्छी तरह से पक जाने चाहिए, अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाने चाहिए, तभी जो है अंडे भुर्जी का स्वाद बहुत अच्छा आएगा। इसे थोड़ा मीडियम फ्लेम पे चलाते रहिए। अच्छे से मिक्स कर लीजिए। थोड़ी देर इन्हें बिना ढके ही पकने दीजिए। ये देखिए, ये हरे प्याज कितने सॉफ्ट हो गए हैं और इसने थोड़ा तेल भी छोड़ दिया है। थोड़ा सा और हम इसे होने देते हैं। ये हमारे हरे प्याज हो चुके हैं। अब इसमें हम ये 5 अंडे हमने फोड़ के एक बाउल में निकाल लिए हैं, ये अब हम इसमें ऐड करेंगे। अब इन अंडों को अच्छी तरह से हरे प्याज में मिक्स कर लेते हैं। इसका जो ये पीला भाग है अच्छी तरह से पूरा मिक्स हो जाना चाहिए, उतना हम इसे चला देंगे। अच्छी तरह से हरे प्याज में मिक्स कर लीजिए।
अब हम गैस को मीडियम से लो फ्लेम के बीच में रखेंगे और जो है इसे थोड़ा हम ढककर पकाएंगे। इससे क्या है, ये जो अंडे है ये फूल जाएंगे। ये हमने ढक दिया है सिर्फ 2 मिनट के लिए। 2 मिनट हो गए हैं। अब देखिए ये एक तरह से ऑमलेट जैसा बन गया है। इसे हम अच्छे से तोड़ लेते हैं, अच्छे से मिक्स कर लीजिए। ये देखिए अंडे कैसा फूल गया है। अच्छे से मिक्स कर लीजिए। जो चिपका हुआ पार्ट है वो सब निकाल लेते हैं हम इसे। ये जो नीचे चिपक गया है उसे हम अच्छी तरह से निकाल लेते हैं और मिक्स कर लेते हैं। इसे हम थोड़ी देर और ढक के पकाएंगे। दो मिनट हम ढक के पकाएंगे। 2 मिनट हो गए हैं। अब देखिए अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। ये अंडा भुर्जी हमारी रेडी हो गई है। अब इसमें हम ये धनिया ऐड कर देंगे और ये 1/4 टीस्पून गरम मसाला। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। और बस 1 मिनट के लिए ये अंडा भुर्जी को होने दीजिए। अंडा भुर्जी हमारी बनके रेडी हो गई है। अब हम इसे एक प्लेट में सर्व कर लेते हैं। तो ये हरे प्याज में बनी अंडा भुर्जी हमारी बनके तैयार हो गई है। देखिए दिखने में कितनी यमी लग रही है। हरे प्याज से जो है अंडा भुर्जी का टेस्ट और भी अच्छा आता है। तो आप भी इस तरीके से अंडा भुर्जी बनाइए और एंजॉय कीजिए। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना ना भूलिए। और मेरी ये रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तो फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ।